भारत और दुनिया का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। कुछ तारीखें इन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। चलिए जानते हैं 8 मई की प्रमुख घटनाएं। 8 मई 1758 मराठा साम्राज्य ने पेशावर की लड़ाई में दुर्रानी साम्राज्य से पेशावर पर कब्जा कर लिया। 8 मई 1842 पेरिस में ट्रेन पटरी से उतरी और उसमें आग लग गई, जिसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो गई। 8 मई 1886 दुनिया की सबसे मशहूर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला का प्रोडक्शन आज से शुरू हो गया। 8 मई 1901 एक ब्रिटिश नियुक्त आयोग ने आज अनुमान लगाया है कि 1899 से चले आ रहे भयंकर सूखे के कारण लगभग 12,50,000 भारतीय मारे गए हैं। 8 मई 1915 भाई बालमुकुंद एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उनकी भूमिका के लिए ब्रिटिश राज द्वारा उन्हें आज ही के दिन फांसी दी गई थी। 8 मई 1916 भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक स्वामी चिन्मयानंद का जन्म इसी दिन हुआ था। 8 मई 1944 कॉमेडी और खलनायक की भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले टॉलीवुड चरित्र अभिनेता चलपति राव का जन्म इसी दिन हुआ था। 8 मई 1946 एस्टोनियाई स्कूली छात्राओं एली जोगी और एजेडा पावेल ने सोवियत स्मारक को उड़ा दिया, जो तेलिन के कांस्य सैनिक से पहले था। 8 मई 1950 टोलुंड मैन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहने वाले एक व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से ममीकृत लाश, जिसे डेनमार्क के सिल्केबोर्ग के पास पाया गया था। 8 मई 1953 रेमो फर्नांडीस प्राकृतिक पुर्तगाली नागरिकता के साथ भारत के एक गायक और संगीतकार है, वो इस दिन पैदा हुए। 8 मई 1956 शिरूर से लोकसभा सांसद शिवाजी राव अधलाराव पाटिल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 8 मई 1960 जे एच सी व्हाइटहेड एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिनका जन्म चेन्नई में हुआ था, आज ही के दिन उनका निधन हुआ। 8 मई 1973 10 सप्ताह से दक्षिण डकोटा के वुंडेड नीज की बस्ती में रहने वाले रेड इंडियंस ने आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मई 1976 रोलरकोस्टर द न्यू रेवोल्यूशन वर्टिकल लूप वाला पहला स्टील कोस्टर सिक्स फ्लैग्स मैजिक माउंटेन पर खुलता है। 8 मई 1978 रेनहोल्ड मेसनर और पीटर हेबेलर द्वारा पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई शुरू की। 8 मई 1980 विश्व स्वास्थ्य संगठन चेचक के खात्मे की पुष्टि करता है। 8 मई 1984 फ्रांस ने आइसलैंड में परमाणु परीक्षण किया। 8 मई 1989 भारतीय दाएं हाथ के बेसबॉल पिचर दिनेश पटेल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 8 मई 1990 हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाने वाले भारतीय फिल्म अभिनेता सुमित गुलाटी का आज ही के दिन जन्म हुआ है। 8 मई 1997 चीनी दक्षिणी एयरलाइंस की उड़ान 3456 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई। 8 मई 2004 श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 521 टेस्ट विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। 8 मई 2007 भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी थे कंवर बहादुर सिंह, आज ही के दिन हुआ था निधन। 8 मई 2010 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों की एक बख्तरबंद गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। 8 मई 2019 ब्रिटिश मूल की 17 वर्षीय इसाबेल होल्डवे को दवा प्रतिरोधी संक्रमण के इलाज के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित फेज थेरेपी प्राप्त करने वाली पहली रोगी बताया गया है। 8 मई 2021 अफगानिस्तान के काबुल में एक स्कूल के सामने एक कार बम विस्फोट में 55 लोग मारे गए और 150 घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस क्रीसेंट मूवमेंट के संस्थापक हेनरी डुनांट को सम्मानित करने के लिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है।